भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के संतनगर मोहल्ले में पुलिस ने छापेमारी कर बड़े सेक्स रैकेट गिरोह का उद्भेदन किया है। संतनगर मोहल्ले के सिंटू मिश्रा के लॉज में पुलिस ने छापेमारी कर 3 लड़की और 9 युवकों को हिरासत में ले लिया है। लड़की और लड़कों को लॉज के अंदर संदिग्ध अवस्था में हिरासत में लिया गया है। वहीं कई आपत्तिजनक सामान भी पुलिस ने बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर लंबे समय से सेक्स रैकेट का काम चल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। वहीं हिरासत में लिए गए सभी लोगों को पुलिस थाने ले आई और हिरासत में लिए गए युवक एवं युवतियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। 112 के द्वारा थाना को सूचना दी गई। थाना से मुझे सूचना प्राप्त हुई, क्योंकि ये रेड डीएसपी रैंक के नीचे के पदाधिकारी नहीं कर सकते हैं, तो मुझे सूचना प्राप्त हुई। फिर मैंने महिला अफसर और जो भी प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से यहाँ पे विधिवत इसकी छापेमारी की गई है, जिसमें एक संचालक यहाँ पे मौजूद थे और संदेह आजकल स्थिति में 3 महिला और उसके साथ कुछ पुरुष थे जो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में थे। जो भी है सबकी पहचान की जाएगी और जो भी प्रक्रिया है और जो भी प्रावधान है इमोरल ट्रैफिकिंग के तहत, उसके तहत सबकी जांच की जाएगी और उसी हिसाब से प्रक्रिया किया जा रहा है। सर, आपत्तिजनक कुछ सामान भी बरामद किया? हाँ, कई चीज़ें सीज की गई हैं, वो सीजर लिस्ट बनाया जा रहा है ना, वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज की जाएंगी। कितने लड़के पकड़े हैं? इसमें 3 लड़की को लिया गया है, उनके परिजनों को भी सूचना दिया जा रहा है। कहाँ के हैं? और महिला अफसर भी उससे पूछताछ करेंगे, पूछताछ भी किया गया है। कहाँ के हैं ये लोग? कटिहार से भी, प्रथम दृष्टा तो कटिहार से भी सूचना मिली है, और इनके परिजनों को बुलाया जाएगा। और हमारी महिला अफसर है, जो भी एक्ट का प्रावधान है उसी प्रावधान के तहत सारी कार्रवाई की जाएगी। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सैलून लुक सैलून। लुक सैलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं। तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक सैलून अपनी सभी प्रकार की सर्विसेज पर 20% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक सैलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। नौगछिया के मखतकिया के निषाद टोला की राधा से मिलने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन पहुंचे। दरअसल मुहर्रम जुलूस के दौरान बच्ची राधा की आंख में पटाखे की चिंगारी लग गई थी, जिससे उसका एक आंख घायल हो गया था, जिसको लेकर आज सैयद शाहनवाज हुसैन पीड़ित बच्ची के घर गए और मिलकर हर संभव मदद करने का आश्वासन बच्ची को दिया। इस दौरान नौगछिया के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ समाज के कई लोग वहां मौजूद थे। वहीं शाहनवाज हुसैन ने मुहर्रम जुलूस के दौरान पटाखा छोड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई को लेकर पुलिस से मांग की है। यहाँ निषाद मोहल्ले में जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, इनके यहाँ मुक्ति निषाद जी है, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, पूरी टीम के साथ में यहाँ आया हूँ। ये बच्ची राधा है, ये इसको इसका एक आंख चला गया है, पटाखे जो मुहर्रम में जो बम लगा उससे जो चला रहा था वो छर्रा इनके आंख में आया, इसकी आंख चली गई, कोई पूछ नहीं किया। इसकी जिंदगी पूरी तरह से परेशान हो गई और हम लोगों ने, मैंने अपनी तरफ से 1,00,000 रुपए की राशि राधा के अकाउंट में डालूंगा, जो ये लोग FD करेंगे, और जो हमारे मित्र हैं उन मित्रों से भी कह के अकाउंट में पैसा डलवाएंगे। और राधा का जो आंख है वो नया आंख लग सकता है, इसकी पूरी संभावना तलाशेंगे, दिल्ली में एम्स में जाकर दिखाएंगे इसको, और प्रशासन से भी कहेंगे इस पर जो मुकदमा किया, एक तो बच्ची की आंख चली गई तो आक्रोश नहीं होता तो क्या होता, लोग धरना दिए, उस पर एक मुकदमा भी कर दिया। तो मैंने SP साहब से कहा है कि मुकदमा में परिवार का कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, किसी बेगुनाह को फंसाना नहीं चाहिए, और इस पूरे परिवार की चिंता भारतीय जनता पार्टी करेगी। मुक्ति सिंह निषाद जी हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो गार्जियन की तरह, अभिभावक की तरह काम करेंगे,
और ये जो इलाका है इसमें ये 25 घर है जहां बिजली 15-17 साल से नहीं आई, और उसके लिए बिजली के लिए हम जाके बात करेंगे। जो बिजली मंत्री हैं विजेंद्र यादव जी, उनको लिख के देंगे। सरकार कहती है हर घर में बिजली पहुंचा दिया, आखिर इस 25 घर में बिजली नहीं है ना आप लोगों को? कितने साल से नहीं नहीं आया? और इतना बड़ा बड़ा दावा सरकार कर रही है, घर बन गया लेकिन बिना बिजली का घर है, उसके लिए भी काम करेंगे। तो हमने परिवार को पूरी तरह आश्वस्त किया है कि हम चिंता करेंगे। आप लोगों को है ना हम पर भरोसा? जी हाँ, भरोसा है सर। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राएं आज से अपने विभिन्न मांगों को लेकर स्ट्राइक पर चले गए हैं। इन लोगों का कहना है कि 10 अक्टूबर 2017 को बीएससी नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत हुई थी, वहीं यहां सुविधाओं का घोर अभाव है। ना तो पढ़ाने के लिए शिक्षक पर्याप्त मात्रा में है, वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल ज्यादातर नहीं आती हैं। पानी की समस्या के साथ साथ मेस नहीं है, पानी की समस्या भी लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन कॉलेज प्रशासन को कई बार शिकायत करने के बाद भी आज तक हालत नहीं बदले, जिसको लेकर आज से छात्र छात्राएं हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं छात्र छात्राओं ने कहा कि कॉलेज के बाहर कॉलेज प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उन लोगों का कहना है कि जब व्यवस्थाएं नहीं है तो ऐसे कॉलेज को खोलने का क्या मतलब है। इन लोगों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। पानी तो हमारे कॉलेज में ना आता है ना आ रहा है, ना कॉलेज ना हॉस्टल में, फिर खाना की बात भी, खाना में भी क्लीननेस उतना नहीं रहता है, फिर लड़कों के लिए ना हॉस्टल है ना खाना का यहाँ पे सुविधा है। फिर उसके बाद आता है जैसे मतलब लाइब्रेरी, सारे कॉलेज में लाइब्रेरी होता है, पर ये कॉलेज में मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी हमारे यहाँ लाइब्रेरी नहीं है, जो कि एक बहुत नेसेसरी, मतलब हम लोग कितना सा बुक खरीदेंगे वो पॉसिबल है नहीं। उसके बाद हॉस्टल भी नहीं प्रोवाइड है, यहाँ पर टीचर्स की फैकल्टी की बहुत कमी है, मतलब बहुत, मतलब 2-3-4 टीचर है मुश्किल से, वही हम लोग को पढ़ाते हैं। और हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होने के पर हम लोग का सिलेबस कम्प्लीट नहीं हुआ है अभी तक, हम लोग एग्जाम कैसे देंगे। उसके बाद हम लोग को मतलब बाहर जाने का पर वो तो ठीक है, हम लोग को वीक में एक बार निकलने को मिलता है बाहर, उसके बाद भी हम लोग से मतलब पूछा जाता है कि कहाँ जा रहे हैं, हम लोग वार्ड मैम को कॉल करो हर कुछ में, बताओ उनको कहाँ जा रहे हैं, वही हम लोग के साथ दुर्व्यवहार होता है। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कितने देर में आएंगे, ये सारे कुछ हमको गार्ड पूछता है, आने फिर झोला चेक करता है क्या लेके आए, फिर वार्डन मैम भी उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही हैं, जो भी मतलब है, मतलब ओवरऑल हॉस्टल में ना बहुत सारा प्रॉब्लम है। एटलीस्ट पीने को पानी मिल जाए, पीने तक का पानी नहीं मिलता, कैंट का फिल्ट्रेशन रेट भी बहुत कम है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई है। इसी को लेकर जदयू की ओर से वार्ड अध्यक्षों की कमेटी की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वार्ड के वार्ड अध्यक्षों को बैठक में बुलाया गया था। बैठक के दौरान हर एक वार्ड में वार्ड अध्यक्षों के द्वारा कितने सदस्य अभी तक बनाए गए हैं उसकी जानकारी ली गई। वहीं बूथ स्तर पर किस तरह की तैयारी की जा रही है इसको लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रदेश महासचिव विभूति गोस्वामी के साथ साथ पार्टी के कई वरीय नेता इस बैठक में मौजूद थे। बैठक के दौरान आने वाले चुनावों की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा चलाए जा रहे लाभकारी योजना को लेकर आम जनों तक पहुंचाने की बात वार्ड अध्यक्षों से कही गई, जिससे आने वाले चुनाव में पार्टी और मजबूती के साथ जिले में अपना प्रदर्शन कर सके। भागलपुर में सिर्फ सिल्क ही नहीं है बल्कि खादी के कपड़े भी तैयार होते हैं। कपड़ों के साथ साथ खादी ग्रामोद्योग तिरंगा भी तैयार कर रहा है। यहाँ का तिरंगा सिर्फ अपने राज्य में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में फहराया जाता है। खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष माताकांत झा ने बताया कि हर वर्ष यहाँ से करीब 7-8 लाख रुपए का झंडा अन्य राज्यों में जाता है। यहाँ के झंडे की डिमांड काफी है। उन्होंने बताया कि झंडा बनाना शुरू हो गया है, करीब 8 लाख रुपए का तिरंगा बनकर तैयार भी हो गया है और तिरंगा बन रहा है। पिछले वर्ष तिरंगा यहाँ से गुजरात, झारखंड व दिल्ली पहुंचा था। इस बार और अधिक राज्यों से ऑर्डर मिलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि अभी तक झारखंड, गुजरात, दिल्ली समेत बिहार के कई जिलों से तिरंगे का ऑर्डर आ चुका है। इस बार उम्मीद है कि पटना के गांधी मैदान में भी भागलपुर का बना तिरंगा ही फहराया जाएगा। मायाकांत झा ने बताया कि भागलपुर जैसा तिरंगा कहीं भी तैयार नहीं होता। यहाँ के तिरंगा में फिनिशिंग अच्छी रहती है, चक्र एक समान रहता है। वहीं उन्होंने बताया कि तिरंगा एक मानक पर तैयार होता है, उसका एक साइज होता है, लेकिन कुछ लोगों को ये पता नहीं है, किसी भी साइज में तिरंगा निकाल देते हैं, लेकिन उस तिरंगे का कोई महत्व नहीं रह जाता, मानक के रूप में तैयार किया गया तिरंगा ही फहराया जाता है।
हमारे तिरंगे में खासियत है जो माप है वो माप बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। माप में कहीं भी बाजार या और जगह के तिरंगे में तो छोटा बड़ा रहता है, इसका मेजरमेंट जैसे 6 फीट 9 फीट का होता है, 48-72 इंची होता है, इसके बाद 36-54 होता है, 24-36 होता है, 18-27 होता है। इसमें है कि झंडा का वही माप लेना चाहिए, अगर 18-27 के बदला 18-26 हो गया तो वो झंडा हमारे राष्ट्र ध्वज वो अशुभ माना जाता है, उसको फहराना नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ी खासियत ये है चक्र में जो है सो बिल्कुल एक होना चाहिए। अभी मार्केट में देख रहे हैं कि कम भी है ज़्यादा भी पूरे खा वो नहीं होना चाहिए, तो ये सब खासियत है। दूसरी बात है कि हम खादी का बनाते हैं, हाथ से कटा हाथ से बिना हुआ, लोग बाजार में प्लास्टिक का भी पहरा लेते हैं हैंडलूम का जो सब भी बैंड है। तो इससे पहले जो है सो हुआ था तो काफ़ी झंडा हम बेचे थे, गुजरात 5 लाख का लिया था जबकि वो 1 करोड़ का ऑर्डर दिया था, हम सके नहीं बनाने में, इस टेलर था ही था। अभी भी हमारा जो है सो 8 लाख का झंडा तैयार हो गया है, अब 2 लाख का इस सप्ताह में हो जाएगा, चल रहा है सिलाई और सुनते हैं कि फिर उस तरह का जो है सो बिक्री होगा, लोग की एक एक घर पर ऐसे भी फहराएंगे, वैसा नहीं भी फहराएंगे जैसा जो है उस बार था कि हर घर में, लेकिन 50% हमको लगता है कि जरूर घर घर जो है फहराएंगे, इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं। ऐसे किस राज्य से ऑर्डर आते हैं? ऑर्डर हमारे यहाँ जो है सो गुजरात से आया था, दिल्ली से भी आया था, दिल्ली को हम नहीं दे पाए थे क्योंकि वो साटन का खोज गए थे, साटन का हम नहीं बनाते, हम सिर्फ खादी का, बंगाल को दिए थे, उसके बाद जो है सो बिहार में जो है सो झारखंड को अदर स्टेट में दिए थे, बिहार में पटना को, खगड़िया को, उसके बाद जो है सो मुंगेर को। अभी क्या लोग खादी को कितना पसंद कर रहे हैं? खादी को बहुत पसंद करते हैं लोग, पहले सिर्फ बूढ़े बुजुर्ग पसंद करते थे, अब जो हम उसमें रंग और ये थोड़ा आधुनिक बना रहे हैं जिसके कारण बिक्री बहुत ज़्यादा हो गया है। हमारा इस बिक्री दुकान का जो बिक्री था सो 12-14 लाख से था, उसके बाद 30 लाख तक गया, 16 से हम आए हैं 60 लाख से ऊपर होता है, अभी भी हमारा है कि 2 करोड़ का बिक्री होगा, लेकिन यहाँ संस्था का कुछ आर्थिक संकट के कारण जो है उतना नहीं पहुंच पाता। दूसरी बात है कि कुछ लोग इसको धरे हुए हैं, हाँ वो सब ज़बरदस्ती जो है भी कामों नहीं करता है, उसको वेतनों चाहिए, मतलब समस्या है वो क्रिएट है। फिर भी हम जो है सो ऐसा संकल्प कर लिए, सिर्फ इस दुकान से करीब 26 आदमी का वेतन देते हैं। उम्मीद है कि हर घर तिरंगा फहराएगा खादी का? जी जी बहुत उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं हम जो है सो हर दिन का 2-4 दिन पर बिक्री भी शेयर करते रहेंगे आप लोगों से। ऐसे हमारा झंडा का बिक्री 2-4 पीस पर डे 5 दिन से होने लगा, ये नहीं है कि हमारा झंडे के दिन बिकता, और आज से हमारा अनुमान है कि लगभग 50-25 गो डेली बिकेगा, और 3 दिन जो है 13-14-15 तो काफ़ी झंडा हमारा बिकता है, जो लगभग 4-4.5 लाख का काउंटर बिक्री है, और बाहर जो जाता है वो छोड़ के अब उम्मीद लगाए हैं, बनाए भी हैं और बिक्री भी है तय कि होगा, अगर नहीं होगा तो हमारा झंडा यहाँ से 12 महीना बिकता है, मुंगेर भागलपुर और ये जितना DM के यहाँ, तो 2-2 बार जो है तो झंडा ले जाके उनके आवास पर जो पहरता है तो यहीं से जाता है, तो वो जाता है, ऐसे भी कहीं मीटिंग कुछ रहा तो हमारा झंडा 12 महीना यहाँ बिक्री है, इसीलिए हम बिकने के बाद भी बनाते रहते हैं और यहाँ जो है सो क्रम टूटने नहीं देते। अब सैनिक कहीं से आया तो 12 बजे रात में भी DM का जो है सो हमारा जाएगा तो हम घर में भी रखते हैं कि रात में कहाँ जाएंगे,
तो निकाल करके उनको देते हैं। ये जी परिचय दे दो आप। मेरा नाम मायाकांत झा हुआ। हम संघ के संरक्षक हैं और अभी उत्पादन और काम में केवल हमारे से ही डिपेंड है। भागलपुर में पैसे की निकासी के लिए अब घंटों कतार में रहने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल शहर में आधार इन बिल्ड सर्विस के जरिए अब लोग अपने आधार कार्ड के माध्यम से पैसे की निकासी कर सकेंगे, जिसकी शुरुआत विडकम फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के द्वारा की जा रही है। रेलवे कॉलोनी स्थित एक कॉन्फ्रेंस हॉल में कंपनी के CEO मोहम्मद तारिक की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जहां उन्होंने खास तौर पर छोटे व्यापारी वेंडर्स के साथ कंपनी की सुविधा से जुड़े जानकारियों को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि आजकल ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा होने के बावजूद लोगों को बैंक में घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ता है, लिहाजा छोटे बड़े व्यापारियों के लिए समय की बर्बादी होती है। इसे देखते हुए कंपनी द्वारा इस सुविधा को सुनिश्चित करने का नया तरीका अख्तियार किया गया है। उन्होंने कहा कि वृद्ध व्यक्ति जिन्हें वृद्धा पेंशन की रकम मिलती है, अगर वे बैंक जाने में असमर्थ है तो कंपनी डोर स्टेप जाकर भी पैसे का भुगतान करेगी। इतना ही नहीं, यह 100% सुरक्षित भी है, लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं। मौके पर कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर कर्मचारी और कई वेंडर्स मौजूद थे। फाइनेंशियल बैंकिंग सेवा है ये, और हमारे यहाँ पे जो है जो बैंक में जो रेट कस्टमर जो पेमेंट नहीं निकाल पाते हैं, हम लोग इनिशिएट छोटा छोटा दुकान खोल करके कस्टमर को सर्विस देते हैं पेमेंट निकालने के लिए, और वो आधार के थ्रू अपना पेमेंट निकाल पाते हैं एक दिन में 10,000 रुपये। तो आप ये किस कारण से जुड़े इससे? क्योंकि जो भी रिटेलर हमारे यहाँ ट्रांजेक्शन करते हैं, हम लोग एक छोटा सा मिनिमम अमाउंट बताता हूँ कि 3,000 रुपये कोई भी कस्टमर हमारे यहाँ से विड्रॉ करते हैं तो हम उसको 13 रुपये पर ट्रांजेक्शन कमीशन देते हैं। तो उसे एक ट्रांजेक्शन पे 13 रुपये मिलते हैं। वो दिन भर में 100 ट्रांजेक्शन किया तो वो दुकानदार 1,300 रुपये हमारे थ्रू कमाते हैं। कि मैंने जब स्टेट बैंक में गया था पैसा निकालने के लिए, मुझे इतना परेशानी लगा, 1,000 रुपया मुझे निकालने के लिए मुझे इतना परेशानी, 3 घंटा बैठना पड़ा। और उसी से इंस्पायर होकर के मैंने गया आधार इनबिल्ट सर्विस में, तो मैंने देखा कि एक थम देने के बाद मुझे तुरंत 1,000 रुपया मिल गया, जिससे मुझे टाइम का भी किल नहीं हुआ और मैं खुशी खुशी समय पर भी आ गया। उसी पैसे को निकालने के लिए मैं गया था तो सुबह 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक था, ये टाइम का किल हुआ। उसके बाद इसी प्रेरणा से आकर के मैंने सोचा कि मैं गरीब आदमी को जो चल नहीं सकता है, जो बूढ़ा है, जिसको पेंशन मिलता है, उस सब के लिए वो घर तो नहीं जा, घर से निकल नहीं पाते हैं, तो मैं उनके घर पे जाकर के थम से पैसा निकाल के। तो क्या इसमें पैसे निकालने के लिए आप घर पे भी जा सकते जी? इस चीज के लिए आपसे संपर्क कैसे करेंगे? सब नंबर वाई है हमारा, ऑनलाइन है हमारा, हमारा पोर्टल का ऑनलाइन पे ये गूगल पे हमारा नाम है। एक बार गूगल पे मेरा नाम सर्च करेंगे सोनी गैस सर्विस के नाम से, मैं 24 आवर में खड़ा रहूंगा। क्या आपको इससे फायदा हो रहा है? इससे मुझे बहुत फायदा है, मैं अपने परिवार को इससे चला रहा हूँ, लोगों को सेवा कर पा रहे हैं। सेवा कर रहा हूँ सर। अभी जो हुआ है सर, ये आपका लॉकडाउन में मैंने बहुत सेवा किया, जिससे मुझे इतना आशीर्वाद मिलता है, लगता मैं बहुत अच्छा काम किया। खुश है?